हेलो मेरी क्लास की प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाई एवं बहनों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप MPPSC MP पुलिस महिला परीक्षक पटवारी SI भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी हमारा इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टॉप 15 क्वेश्चन MP पुलिस MPSI महिला पर्यवेक्षक पटवारी भर्ती परीक्षाओं के लिए। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको अनअकैडमी के बारे में बता देते हैं। मेरी क्लास की प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाइयों एवं बहनों, आपके लकी सर रोज़ रात को 9 बजे अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। आप सभी लकी सर की क्लास को ज्वाइन जरूर करें अनअकैडमी पर। मेरी क्लास की प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, आप सभी देख रहे हो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। बच्चों आप सभी को क्लास लकी सर की कैसे अटेंड करना है, आप सभी अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लें। सेलेक्ट योर ID बना लें बच्चों। सेलेक्ट करना है आपको MPPSC एंड व्यापम, रेफर कोड डाल देना बच्चों लकी सर, ठीक है। अब आपको क्लास को अटेंड कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। लकी सर की अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है बच्चों, आप सभी लकी सर को अनअकैडमी पर फॉलो करें, आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाइयों बहनों, अनअकैडमी पर आपके लकी सर पढ़ाते हैं रात को 9 बजे सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, विस्तार से पढ़ाते हैं डिटेल में। तो आप सभी इनकी क्लास को अटेंड जरूर करें रोज़ रात को 9 बजे। मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाइयों बहनों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटरों के द्वारा पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव बैच मिलेंगे बच्चों। जितने भी आपके डाउट रहते हैं लाइव क्लास में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। PDF में नोट्स मिलेंगे बच्चों। तो आप सभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करना है लकी सर। बच्चों आप लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों कोड यूज करना है आपको लकी सर। मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाइयों बहनों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगर ऑफर चल रहा है अभी हमारे पास, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 महीने अतिरिक्त मिलेंगे, 2 साल का लेते हो 4 महीने अतिरिक्त मिलेंगे। आप सभी सब्सक्रिप्शन जरूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों रेफर कोड डालोगे आप सभी लकी सर। मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों, भाइयों बहनों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बच्चों तो जरूर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटरों के द्वारा पढ़ने का मौका, लाइव बैच मिलेगा बच्चों। आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी एजुकेटर की क्लास को। तो आप सभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करो लकी सर। मेरी क्लास की प्रिय सभी छात्र एवं छात्र, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अब पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, नोट कर लें। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो सभी छात्र एवं छात्राएं करेक्ट आंसर देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा आपका, जबलपुर। बच्चों अगर आपके पास जबलपुर ऑप्शन नहीं आता है तो खंडवा पे टिक करना, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जबलपुर खंडवा दोनों जगह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की। आप सभी इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप में से यहाँ पे कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर जानते हैं तो आप सभी छात्र कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चों यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों बहनों। अगर आपके एग्जाम में आता है आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर जानते हैं तो बच्चों आप सभी कमेंट करके सही आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर, समय स्टार्ट होता है आपका अब। 15 सेकेंड का समय है बच्चों, यहाँ पर नोट कर लें। कैसा चांद बना देती है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हेम तरंगनी के लिए 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। नोट कर लो बच्चे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5।
वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है कोई बताएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आता है बच्चों तो आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, सभी छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है, आंसर नोट कर लें मेरे भाइयों बहनों। यहाँ पे आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी की रचना किसने की, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6 से स्क्रीन पर नोट कर लो, आप में से कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्क्रीन पर नोट कर लो बच्चे। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। फड़कू स्टूडियो बच्चों मध्य प्रदेश के किस जिले में, कोई बताएगा आंसर, जानते हैं तो आप सभी छात्र करेक्ट आंसर दोगे मेरी क्लास के प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप नए हैं तो आप सभी लकी सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आंसर जानते हो तो आप सभी कमेंट करके बताएं, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। नोट कर लो यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा आपका, धार। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी बालक गलत आंसर नहीं देगा, निम्नलिखित में से बच्चों मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है, आंसर जानते हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, नोट कर लो मेरे भाइयों बहनों। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विक्रम विश्वामित्र एकलव्य खेलों से संबंधित हैं। एकलव्य पुरस्कार बच्चों कला के क्षेत्र में रंगमंच में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, रंगमंच कला के लिए दिया जाता है आपका शिखर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 लगा देते हैं स्क्रीन पर, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है, कोई बताएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जानते हैं बच्चों तो प्रॉमिस करो आप में से कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा। नोट कर लो ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, मलखंब। बच्चों मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रभास जोशी अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई बच्चों, तो नोट कर लो 10 अप्रैल 2013 को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है, नोट कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, कोई बताएगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई बच्चों कितनी है। 15 सेकेंड का समय आप सभी के पास, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा मेरे भाइयों बहनों। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप सभी करेक्ट आंसर दोगे, यहाँ पे नोट कर लो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1070 मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। अगर मन में प्रश्न आया टोटल कितनी है, टोटल लंबाई है बच्चे इसकी, नोट कर लो 1312 किलोमीटर, टोटल कितनी है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कोई बताएगा, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 11वां। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी करेक्ट आंसर दोगे, कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 11वीं का बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12वां, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 12वां है स्क्रीन पर, नोट कर लो यहाँ पे करेक्ट आंसर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक आपका भोपाल में है बच्चों और दूसरा आपका इंदौर में, तीसरा खजुराहो में है बच्चों, प्रस्तावित हो चुका है, कागजी कार्रवाई पूरी भोपाल इंदौर में है, यानी 2 आंसर अभी करेक्ट मानोगे, अंतर्राष्ट्रीय 2 हैं, कुल 5 हैं। आगे चल के बच्चों 1 साल का समय लग सकता है, मध्य प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, अभी वर्तमान में 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13वां। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे भाइयों बहनों, प्रॉमिस करो आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 13वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर जानते हो बच्चों तो आप सभी कमेंट करके आंसर दें। नोट कर लो यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, 14 जिलों से गुजरती है आपकी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, जानते हो तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का नोट कर लो, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, विदिशा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर नोट कर लें, आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज एस्क के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके एग्जाम में आ गया कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज एस्क के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 सेकेंड का समय है बच्चों आप सभी के पास, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लो। ए ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगा, बालाघाट। बच्चों अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों आपको बताना है मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पर मिलता है आप लोग कमेंट करके बताएं। और मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है बच्चों आप सभी कमेंट करके बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में मिलता है, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है। आंसर जानते हैं बच्चों तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्रों भाइयों बहनों, अगर आपको पढ़ाना हमारा अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं 15 क्वेश्चनों में आपने कितना स्कोर किया। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।